वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चार खबरों के बारे में। मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई क्या कर रही है यार, मतलब एकदम शर्मिंदगी वाली बात है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। आज की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। रफीनिया, अंसु फाटी एंड लामिन यामाल अपेरेंटली रिसीव्ड सम रेसिस्ट चैंट्स। ठीक है, लामिन यामाल ने कुछ नहीं बोला, रफीनिया ने कुछ नहीं बोला, अंसु फाटी ने कुछ नहीं बोला, बिकॉज भाई दीज आर दी प्लेयर जो ऑन द पिच जवाब देने में बिलीव रखते हैं। दैट इज़ वॉट आई फील। बट विनीशियस जूनियर ने कुछ कहा है रिगार्डिंग दी रेसिज्म वाले जो है वो चैंट्स जो इन्होंने रिसीव किया है। ये क्या कहानी है आज की वीडियो में ये भी आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ बात करने वाले हैं क्या आफ्टर लूजिंग दी एल क्लासिको कार्लो एंचेलोटी के ऊपर सेकंड के बादल मंडरा रहे हैं। व्हाट आर दी लेटेस्ट रिपोर्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम भाई मैड्रिड का खेमा आफ्टर दिस एल क्लासिको की लॉस। एंड वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब एट दी एंड सेजनी का जो है वो भाई स्मोकिंग इशू एज वेल। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। और लाइक का बटन दबा दो ना फटाफट से, मतलब सुबह सुबह लाइक का बटन दब जाना चाहिए। एनीवेज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड की चिंदीगिरी। भाई देखो, दिस वॉज दी थिंग जो हमने जो है वो भाई ब्रेक करी थी यूट्यूब में, और मैं ही था जो मैं बोल रहा था कि भाई देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनेंशियल इश्यूज से जो है वो भाई घेरा चुकी है, बट वो कोशिश करी कि मीडिया में ये बात बाहर ना आए। लेकिन एक जी भाई ने जो है वो आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में भयानक फाइनेंशियल इशूज़ चल रहे हैं। अब इसका एक अलग एक्सटेंट तक उन लोग ले गए हैं। भाई तुम यकीन मानोगे, अभी बैलन डोर का सेरेमनी होने वाला है आज, और इस सेरेमनी में मैनचेस्टर यूनाइटेड के दो प्लेयर जो है वो जाने वाले हैं, गर्नाचो और कोबी माइनू। मोस्ट प्रोबेबली कॉपर ट्रॉफी के लिए इन लोग नॉमिनेटेड रहे होंगे, इसलिए इन लोग जा रहे हैं, या फिर किस रीजन से जा रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है, बट दीज आर दी टू प्लेयर्स जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के खेमे से जा रहे हैं। मैनचेस्टर सिटी के खेमे से ऑब्वियसली कई सारे प्लेयर्स जा रहे हैं, अर्लिंग हालैंड हो गया, रोड्री हो गया, और भी कई सारे प्लेयर्स जो है वो मैनचेस्टर सिटी की तरफ से जा रहे हैं। अब भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोला केवल दो ही प्लेयर्स जा रहे हैं यार, इनके लिए क्या प्राइवेट चैट वगैरह जो है वो अरेंज हम करवाएं। तो इन्होंने फ़ोन घुमा दिया मैनचेस्टर सिटी को और बोल दिया कि यार आप प्राइवेट जेट करवाए हो, हम लोग एक ही सिटी में रहते हैं, तो क्यों ना भाई आप हमारे दो प्लेयर्स को भी अपने साथ जेट में बैठा करके ले जाओ, लिफ्ट मंगवा दिए। भाई मतलब ये चिंदीगिरी की कितनी गंदी हदों को जो है वो पार कर दी मैनचेस्टर यूनाइटेड इस चीज़ से। मतलब कॉस्ट कटिंग आपने क्रिसमस सेलिब्रेशन तक जो है वो नहीं करना है मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने ऑफिसेज में, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि हम पैसे बचाएंगे, हमको क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं करने। अबे तुम अपने प्लेयर्स को राइवल के जेट में भेज रहे हो बैलन डोर की सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, लाइक बिकॉज ये सुन करके एकदम ऐसा लगता है कि क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा कैसे हो सकता है। लाइक जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के कॉन्टेक्स्ट में अगर तुम ले लो, ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि रियल मैड्रिड इज आस्किंग बार्सिलोना कि भाई हमारे दो प्लेयर्स को विनीशियस और एम्बाप्पे को ले जाओ तुम लोग अपने साथ जेट में बैठा करके बैलन डोर की सेरेमनी अटेंड करवाने के लिए लिफ्ट के हिसाब में। तुम इमेजिन करो उस फ्लाइट में दो यूनाइटेड के प्लेयर्स बैठे हुए हैं और पूरे सिटी के जो है वो भाई स्टाफ एंड मेंबर्स बैठे हुए हैं, टीम प्लेयर्स बैठे हुए हैं, ये दोनों की क्या फटी रहेगी पूरे फ्लाइट भर, क्या छोला करेंगे इन लोग का यार। मतलब कॉस्ट कटिंग को इतने गंदे तरीके से इन लोग कर रहे हैं कि मतलब चिंदीगिरी की भी हद पार कर दिए भाई। मतलब ग्लेजर्स बेटर थे इन नॉ से इस जो है वो मामले में, एटलीस्ट चिंदीगिरी तो नहीं करते थे, जिसके चलते अब बेइज्जती हो रही है। अब आई डोंट नो इफ ट्रू और नॉट, लाइक मीडिया में आ रहा है, बट आ रहा है तो ट्रू ही होगा भाई, मतलब क्या ही बोलूं मैं, छोड़ो हटाओ। लेट्स टॉक अबाउट भाई विनीशियस जूनियर क्या कह रहे हैं रिगार्डिंग दी रेसिज्म की जो है वो चैंट्स जो हमारे प्लेयर्स को जो है वो सहने पड़े सैंटियागो बर्नाब्यू में। ऑल दो शुरुआत का इंट्रो सुन करके आपको लग रहा होगा कि AKG भाई विनीशियस को ज़बरदस्ती घेर रहे हैं, लेकिन विनीशियस ने अच्छा काम किया है। रियल मैड्रिड ने जो है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन डाला, वैसे ही ऑफिशियल कम्युनिकाडो टाइप से, कि भैया हमारे स्टेडियम में कल हमको रिपोर्ट मिला है कि रेसिज्म चैंट्स जो है वो हुए हैं और वो कुछ प्लेयर्स जो है वो रेसिज्म चैंट्स के शिकार हुए हैं, तो हम इसके ऊपर नेसेसरी एक्शंस ले रहे हैं, हमने ला लीगा को ऑलरेडी जो है वो रिपोर्ट सबमिट कर दी अपनी तरफ से। ऑन द अदर हैंड दे आर सेइंग कि रियल मैड्रिड के स्टेडियम में जो नया अब एकदम रेनोवेट हुआ है सेंटियागो बर्नाब्यू, वहाँ पे इतने जो है वो कैमरास लगे हुए हैं कि वो जो हैं लोग जिन्होंने रेसिज्म वाले चैंट्स करे वो आराम से पकड़े जाएंगे। अब अपेरेंटली दिस रेसिज्म चैंट्स वर रिसीव्ड बाय लामिन यामाल, अंसु फाटी एंड रफीनिया। अब इसमें आई हैव नॉट सीन दीज बार्सा प्लेयर्स यू नो सेइंग कि हमको रेसिज्म ऐसा हुआ वो हुआ। विनीशियस भाई यहाँ पे हीरो का एंट्री लेकर के मसीहा बन रहे हैं, बोल रहे हैं इट्स रिग्रेटेबल व्हाट हैपेंड यस्टरडे एट बर्नाब्यू विद रेसिस्ट इंसल्ट, देयर इज नो प्लेस फॉर दीज क्रिमिनल्स इन आर सोसाइटी, ऑल माई सपोर्ट टू लामिन अंसु रफीनिया, आई नो दैट मैड्रिड एंड पुलिस विल डू थिंग्स टू आइडेंटिफाई एंड पनिश द गिल्टी।
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेट्स मूव टू अदर खबर, एंचेलोटी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कहानी चल रही है एंचेलोटी की। तो देखो, आफ्टर लूजिंग दी एल क्लासिको देयर आर यू नो साइंस फ्रॉम पापा पेरेस की भाई ये सही नहीं हुआ, बिकॉज पापा पेरेस ऐसा माना जाता है कि तीन चीज़ के ऊपर जो है वो नजर बना करके रखते हैं, एक एल क्लासिको, एक UCL और एक बैलेंडोर की सेरेमनी। दीज आर दी थ्री थिंग्स जो पापा पेरेस को काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं, और इन चीज़ों में जो है वो भाई सुपरियरिटी हासिल करना चाहते हैं पापा पेरेस। बाकी सब चीज़ें क्या हो रही हैं उनको मतलब नहीं है ज्यादा। अब इसी के चलते आफ्टर लूजिंग द एल क्लासिको, ऑब्वियसली जो बहुत दिल के गरीब है, आफ्टर इवन बाइंग किलियन एम्बाप्पे एंड यू नो क्रिएटिंग दिस गैलेक्टिकोस वाली टीम, स्टेटमेंट दे रहे हैं यूरोप में कि भाई हमने बेस्ट टीम इन दी वर्ल्ड बना करके रख दी है, दे लॉस्ट टू बार्सिलोना 4-0, जिसके चलते काफी सारे जो है वो भाई कहानी बनने लग गई है रिगार्डिंग कार्लो एंचेलोटी। नंबर वन, सम विद इन रियल मैड्रिड वैल्यू दैट कार्लो एंचेलोटी हैज गिवन टू द टीम, दे बट दे बिलीव दैट इट्स अ टाइम फॉर चेंज। ऑल दो लोगों का मानना है कि भाई बहुत कर लिया इसने, लेकिन अब वक्त आ चुका है चेंज का। लॉकर रूम हमेशा से जो है वो फ्रेंड रही है कार्लो एंचेलोटी की, लेकिन कुछ टेंशन और प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग के इस सीजन में रहे हैं विद कार्लो एंचेलोटी एंड विद पिंटस एज वेल। अब पिंटस की ट्रेनिंग तुम लोग जान रहे हो काफी बवाल रहती है, जिसके चलते काफी सारे फैंस को पसंद नहीं आता है। कार्लो एंचेलोटी कीप्स लूजिंग मोर एंड मोर सपोर्ट इनसाइड रियल मैड्रिड, देयर आर वॉइसेस इनसाइड रियल मैड्रिड दैट थिंक वेरी डिफरेंटली टू कार्लो एंचेलोटी एंड डू नॉट सपोर्ट दी हिज वे ऑफ वर्किंग विद द स्टाफ ऑन अ डे टू डे बेसिस। मतलब आप डेली जो काम कर रहे हो ना, आप जैसे काम कर रहे हो वो ज्यादा अप्रिशिएट अब नहीं किए जा रहे हैं, अब उन लोग बहुत सारी चीज़ों में अग्री नहीं कर रहे हैं, खासकर मैनेजमेंट ऑफ यूथ को लेकर के, खासकर आर्दा गुलर का सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं आर्दा गुलर के सिचुएशन के ऊपर। तो ये दो रिपोर्ट निकल करके आई है कार्लो एंचेलोटी के ऊपर, जिसके बाद थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि हाँ देयर आर सम इश्यूज यू नो जो कार्लो एंचेलोटी फेस कर रहे हैं एट रियल मैड्रिड आफ्टर लूजिंग द एल क्लासिको वाला गेम। एंड आर्दा गुलर बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, यार जितना बड़ा वो टैलेंट है, आई ऑल्सो फील दिस कि यार आर्दा गुलर शुड हैव यू नो स्टार्टेड द गेम ऑफ एल क्लासिको, इफ नॉट भाई मतलब ही इज अ प्लेयर जो वीक इन वीक आउट 90 मिनट खेलना डिजर्व करता है, वो अपने टीम का स्टार बनना डिजर्व करता है जिस भी टीम के लिए वो खेल रहा है, बिकॉज उसके अंदर है उतना टैलेंट। बट अपेरेंटली रियल मैड्रिड पता नहीं क्या कर रही है, जो मुझको बिल्कुल आर्दा गुलर के सिचुएशन के साथ तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आई नो काफ़ी ज़्यादा जो है वो भाई कॉम्पिटिशन है स्क्वाड में, बट विथ रॉड्रिगो बींग इंजर्ड आई थिंक दैट आर्दा गुलर डिजर्व्ड अ चांस इन एल क्लासिको, बिकॉज जितना भी मैंने आर्दा गुलर का देखा है कहानी, भले थोड़ा सा कमी देखा है, आर्दा गुलर इज़ अ टॉप लेवल प्लेयर, और उसी के चलते थोड़ा सा कार्लो एंचेलोटी के ऊपर कहानियाँ बन रही है। अब लेट्स सी क्या होता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, अब देखते हैं क्या होता है। एट दी एंड लेट्स टॉक अबाउट दी लास्ट खबर, और वो है सेजनी से रिलेटेड। एक फुटेज बाहर निकल करके आई है जहाँ पे जो है वो पाया गया कि वेल बार्सा प्लेयर्स वर एंजॉइंग एंड सेलिब्रेटिंग दैट एल क्लासिको वाली विक्ट्री इन दी ड्रेसिंग रूम। एकदम छोटा सा पीछे आपको सेजनी देखने को मिल रहा होगा, जो भाई सिगरेट फूंक रहे हैं या वेप कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबली वेप ही कर रहा है तभी तक धुआं निकला है, और उसके बगल में लमीन एमाल खड़े होकर देख के हंस रहा है कि भाई ये कितना बदमाश आदमी है, यहाँ पे भी जो है वो सिगरेट और वेपिंग कर रहा है। तो इसके चलते काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि सबसे पहली बात ये ड्रेसिंग रूम में कैसा हो रहा है, सेकंड ये अंशु फाटी और लमीन एमाल के बगल में क्यों हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो लमीन एमाल कहीं इन्फ्लुएंस ना हो जाए इन सब चीज़ों से, ऐसा जो है वो बार्सा फैंस का कहना है, और उन लोग जो है वो चिंतित है इस पूरे कहानी को लेकर के, बिकॉज ड्रेसिंग रूम में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ऐसा कहा जा रहा है, विच इज़ आई ऑल्सो बिलीव थोड़ा सा जो है वो ट्रू। एनीवेज अब क्या देखते हैं इसके ऊपर कोई एक्शन वगैरह लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, बट दिस क्लिप इज बीइंग यू नो ऐसे वायरल इन इंटरनेट। अब अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए भाई, थोड़ा कमाल का क्लिप तो है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। एनीवेज मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @AKGFootball। बाय। स्मोकिंग अराउंड अदर्स इज सिकनिंग, क्विट टुडे। भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज, दिमाग में चैनल भरा के जुनून से, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखे जी के साथ।